Perfect. You always come with the new dresses. I love to see you in this. Yes. भाई जी, उससे पहले मैं एक बात बात बोलना चाहूंगी. अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया है. पर सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तो मैं सबको अनम्यूट कर दूं. अदरवाइज जो बोलते हैं फिर उसके बाद म्यूट करते ही नहीं है. मुझे बार 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 सबको म्यूट करना पड़ता है. तो बोले मत अनम्यूट करो, क्योंकि मैं आज मैं बहुत डीप कराने वाला हूँ. अभी तो फिलहाल मत अनम्यूट करो, अभी मत अनम्यूट करो. मैं पहले सबसे पहले मैं एंजाइटी के लिए ले रहा हूँ, जो मैं 3 दिन से नहीं ले पा रहा हूँ. राइट, अभी सबसे पहले मैं बात बताना चाह रहा हूँ सभी को. नहीं, थोड़ा लोग पूरे आने दो, आगे बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस को. ठीक है भावना, कल रात को किया चंद्रांग प्राणायाम? जी जी किया. सुबह भी किया, सुबह उठते भी किया और रात को सोते भी किया. 3 बार किया कल. मैंने रात को सोने के पहले 21 मिनट किया, 21 मिनट्स. ग्रेट, आई डिड. आज सुबह भी 10 मिनट, वो सारे 5 प्राणायाम जो आपको बताए वो 10 ही प्राणायाम, 5-10 मिनट का मैंने खुद प्राणायाम किया है. सिर्फ आपके सामने बात करता जाऊं, दैट इज नॉट द राइट टीचर. टीचर मतलब जो खुद करे, अनुभव करे और करवाए लोगों से. है ना, आप लोगों में से है किसी ने किया कल? भावना कितना कितना देर किया आपने रात को? मैंने 5-5 मिनट किया सब. नहीं, थोड़ा टाइम बढ़ाओ. 21 मिनट. मैं कल एक्चुअली रात को बैठा था, 7 मिनट करूंगा, फिर एक्चुअली 10 भी बज गया था, फिर मैं बोला नहीं मैं करूंगा, 14 मिनट किया. फिर मैंने हिम्मत करके फिर मैंने 21 मिनट कर लिया. सुरजीत भाई ने 7 मिनट किया है. जिनको भी ज्यादा जरूरत है तो प्लीज 21 मिनट मैं भी आज करूंगा आप सभी के साथ में, आप भी करो. जिनको भी प्रॉब्लम है ना यहाँ पर, तो वो 21 मिनट करो, नहीं तो एटलीस्ट 7 तो करो ही करो, रात को सोने के समय, सुबह उठने के समय. और 10 मिनट का प्राणायाम किसने किया है? यस प्लीज, आप है ना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. आयुषी, मैंने भी किया. यस, 10 मिनट वाला किया है सुरजीत भाई ने भी. राइट, त्रिषा आपको भी करना है. आपको त्रिषा, यू ऑल्सो हैव टू डू दिस प्राणायाम. देखो आप अगर मेरे साथ भाई जी, आपकी आवाज नहीं आ रही. नहीं, आपकी आवाज, हाँ वो सॉरी अनम्यूट हो गया था आपका. प्लीज जो मेरी बात को सुन रहे हैं ना, तो जिन्होंने 7 मिनट से ज्यादा किया है वो सामने आके बताओ मुझे. ओके, मैं ना सबको अनम्यूट कर देती हूँ उसके बाद. अनम्यूट कर जिसको भी, क्योंकि क्या है, I want to motivate them to go for this चंद्रांग प्राणायाम. उसके बाद सब खुद को म्यूट कर देंगे, मुझे नहीं करना पड़ता. यस, सभी ध्यान रखें प्लीज, सभी को अनम्यूट किया जा रहा है. और जैसे ही आपका शेयरिंग पूरा हो जाता है, मैंने भी किया था. सर मैंने भी किया सर. भाई जी मैंने भी 11 मिनट किया था. भाई जी आप अपना अनम्यूट करें.
यस मैंने भी कल है ना 21 मिनट किया, पहली बार ही किया है मैंने, और मुझे रात के नींद में बहुत 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 फर्क पड़ गया है। आई हैड अ वेरी साउंड स्लीप यस्टरडे नाइट। तो मैंने भी किया सर। हाँ हाँ मैंने मैंने 18 मिनट। अरे वाह दैट्स ग्रेट। और मैं करती हूँ योगा के साथ। देखो आप है ना, इन्हें योगा की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे सिर्फ इसकी बात चल रही है। रात को सोने के पहले चंद्रांग प्राणायाम करना है सभी को, और उसका बेस्ट तरीका बताऊं आप है ना, मोबाइल पे टाइमर स्टार्ट कर दो और फिर करते जाओ, टाइमर का सामने रखो। मैं ऐसे ही करता हूँ, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, यू फील गुड कि चलो मैं इतना देर अब कर चुकी हूँ। मैं तो वो है ना, टाइमर रख के करो कोई तेजी हो सका। आज है ना कोशिश करो 21 मिनट करें। मैं आज भी हालांकि मेरी काउंसलिंग है दो सोने के पहले भी आफ्टर दिस सेशन, लेकिन मैं करूंगा। यस और कोई शेयर करना चाहिए अपना अनुभव प्लीज? सुरजीत भाई वुड लाइक टू स्पीक? ओके नहीं बोलना है ठीक है। और विजय लक्ष्मी आपने किया कल? हाँ जी। कितना मिनट? 11 मिनट। नहीं आज है ना 21 मिनट करो, एक हफ्ते मेरे साथ चलो, मैं भी करूंगा 21 मिनट डेली। लेट मी एक्सपीरियंस आल्सो के क्या होता है। कल ही मैंने किया तो मुझे अच्छा फर्क पड़ा है कल एक्चुअली, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, चंद्रांग प्राणायाम एक आपका जो एंग्जायटी लेवल है, डिप्रेशन है, मेंटल फटीग है, एग्जॉशन है, दूसरा जो है ना जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, दोस वर वेरी रिएक्ट इन द नेचर, वी ऑल आर रिएक्ट इन द नेचर, तो ऐसे लोगों के लिए चंद्रांग प्राणायाम हम लोग साथ में है ना करेंगे। पहले एक हफ्ता तो करो, एक हफ्ता पहले हम साथ में करेंगे, फिर देखते हैं कैसे कैसे इससे क्या इफेक्ट आता है। फिर मैं आपको सारा आगे लेके जाऊंगा कि कैसे रेशोज में जाना है, कैसे रेशो को बढ़ाना है, कैसे कुंभकाज में जाना है। लेकिन ये जो कल मैंने बताया ना 2-2 मिनट का, ये डेली करो सुबह को। चंद्रांग पहले चंद्रांग फिर सूर्यांग फिर चंद्रभेदन फिर सूर्यभेदन और फिर अनुलोम विलोम। 10 मिनट का है ये, आप चाहें तो अनुलोम विलोम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो पहले के 2-2, 2-4 मिनट के, 2-2 मिनट के 4 हैं वो तो पहले करके फिर अनुलोम विलोम, चाहें तो 5 मिनट भी कर सकते हैं। लेकिन 2 मिनट तक भी करोगे तो ये है ना आपके अंदर के चैनल जो है ना वो खोल देगा चैनल्स, और जैसे ही चैनल्स खुलेंगे इसका बैलेंसिंग होना चालू हो जाएगा ना, तो आपके प्राण सुषुम्ना में जाएंगे। सुषुम्ना प्राण जाते ही हमारी आध्यात्मिक उन्नतियां होती है। सुषुम्ना इज द सेंट्रलाइज्ड चैनल विच अवेकेंस अवर इनर पावर्स। इसलिए बोलता हूँ इसको वो डीप में करें। मैंने भी कभी जिंदगी में किया नहीं, मैंने सीखा 32 साल पहले ये सब, लेकिन मैंने कभी किया नहीं इतना डिटेल में। लेकिन अभी आपके साथ साथ मैं भी अपने आप को ग्रो करना चाहता हूँ। ठीक है चलिए आगे। हाँ हाँ सारे 21 मिनट करने हैं या एक एक 21 मिनट करना है? सिर्फ रात को सोने के पहले जो है आपको चंद्र भेदन चंद्रांग प्राणायाम करना है। ओके ठीक है। चंद्रांग प्राणायाम करना है, चंद्रांग मतलब व्हाट यू आर डूइंग इनहेलिंग, ओ सॉरी चंद्र भेदन प्राणायाम करना है, मींस आप पीस को इनवाइट कर रहे हैं और गर्मी को बाहर निकाल रहे हैं। पीस इन पीसलेसनेस आउट, पीस इन पीसलेसनेस आउट। तो लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ना, लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ना, लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ना, समझा? दिस इज कॉल्ड द चंद्रांग चंद्र भेदन प्राणायाम जो आपको करना है। भावना आपने यही किया ना कल? मैंने सारे किए थे 5-5 मिनट रात को सोने के पहले। सोने के पहले लेफ्ट से लेके लेफ्ट से छोड़ना था। नो नो वो नहीं करना है, रात को सोने के पहले यू हैव टू डू ओनली लेफ्ट इन राइट आउट, दैट्स ऑल। एक ही प्राणायाम करना है, उसका नाम है चंद्र भेदन। सभी को सभी प्लीज ध्यान रखो, रात को सोने के पहले और सुबह उठने के साथ कोई दूसरा प्राणायाम नहीं करना है। अगर आप सही नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको जल्दी, क्योंकि आपके साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ। चंद्र भेदन प्राणायाम करना है, लेफ्ट से अंदर तो शांत, शांति अंदर गई और अशांति बाहर आई, शांति अंदर गई अशांति बाहर आ गई। ये पैसिवनेस मतलब रिलैक्सेशन अंदर, और जो हम रिएक्टिवनेस है That we are taking out. तो सभी इसको ध्यान रखें। मैं इसलिए खास आपको बता रहा हूँ कि गलती कोई नहीं करें, और जिनको भी आप देखो इसके 7 दिन तक तो करो, मैं भी आपके साथ साथ करूंगा। Then we have the wonderful results of this pranayama. हम आपके इसके आगे आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन जब तक क्लेंजिंग पूरा नहीं होता है तो आप आगे नहीं जा पाओगे। ये डायरेक्टली लोग कुंभकाज में चले जाते हैं, तीनों बंदाज में चले जाते हैं, फिर वो फायदा ज्यादा नहीं देता है। मैं आपको बिल्कुल ग्रेजुअली लेके जा रहा हूँ, मैं आपको केजी क्लास से लेके जा रहा हूँ आगे। केजी क्लास के प्री प्राइमरी से भी, केजी से भी पहले क्या होता है, हम तो पढ़े ही नहीं है। केजी के पहले क्या होता है, केजी के पहले क्या होता है,
पीजी ये जब हम लोग पढ़े हम लोग जब पढ़े हैं तो हमारे समय तो ये सब था ही नहीं। प्री नर्सरी आजकल है ना बहुत नौटंकियां बढ़ गई है पढ़ाई तब सिर्फ नर्सरी होता था। हाँ तो मैं आपको वहां से लेके जा रहा हूँ मेरे। हाँ हाँ भावना बोलो। हमारे स्कूल में डायरेक्ट फर्स्ट से होता था। हाँ हमारे जमाने में ये सब था ही नहीं। आजकल जितना ज्यादा मॉडर्न जमाना आ गया है ना जितने बच्चे बिगड़ रहे हैं उतना और अंधों को अंदर डाल रहे हैं। 2 साल के बच्चों को भी स्कूल भेजते हैं 250 बच्चों। ओके चले आगे। यस आर यू रेडी? यस किसको अगर कुछ पूछना है तो रात को चंद्र भेदन प्राणायाम करना है 7 मिनट 14 मिनट 21 मिनट जितनी ज्यादा आपको जरूरत है रिलैक्सेशन की फीलिंग एट ईज की साउंड स्लीप की स्ट्रेस फ्री की उतना आप इसका टाइम बढ़ाओ। और अगर 21 मिनट करोगे जो मैंने कल किया है मैं आज भी करूंगा 7 दिन तक आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क तो 7 दिन मैं भी करूंगा आपके साथ में। लेट मी ऑल्सो एक्सपीरियंस ना देन उसके बाद में जब भी कहूंगा लोगों को ये बात है तो इट इज नॉट बलराम इट इज नॉट द नॉलेज बट इज माई एक्सपीरियंस स्पीक टू मी मैं एक्सपीरियंस से मैं बोल सकता हूँ कुछ इसलिए मैं खुद भी कर रहा हूँ। मैंने कल ही देखा भावना इतनी गहरी नींद आई है ना कल मेरे को मैं आपको क्या बताऊँ सच में। सर एक क्वेरी है हम लेटे लेटे कर सकते हैं प्राणायाम की बैठकर ही करना है अनुलोम विलोम जो है ना आप ऐसे लेटे कर सकते हैं पर क्या है अगर आप बैठकर करेंगे ना तो ब्रीद इन एंड आउट विल बी मोर इजियर समझा कि सर बैठे बैठे ना आलती पालती नहीं मरती है पैर लटका के कर सकते हैं। आलती पालती मैं आलती पालती तो मार ही नहीं सकता मेरे दोनों पैरों में प्रॉब्लम है जी। मैं तो क्या हूँ दोनों पैर बिस्तर पे बैठ के दोनों पैर नीचे लिया अलार्म लगाया और फिर करते रहा 7 मिनट फिर मतलब नहीं मुझे अगर दूसरों को मोटिवेट करना तो मुझे 21 तक करना चाहिए फिर मैं 14 पे पहुंचा फिर भी लग रहा था नहीं अभी सो जाओ मगर नहीं आज 21 पूरा ही करूंगा फिर 21 पूरा करके सोया। सर मॉर्निंग में तो मैंने पूरा 10 मिनट सारे किए लेकिन रात को मैंने गलत कर दिया लेफ्ट टू लेफ्ट वाला कर दिया चंद्रांग नहीं लेफ्ट लेफ्ट टू लेफ्ट जो है ना मेरी बात सुनो लेफ्ट टू लेफ्ट में सिर्फ बाई नासिका हमारी जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस है ना वो खुलती है लेकिन हमारे अंदर आवेश ज्यादा है हमारे अंदर गर्मी ज्यादा है हमारे अंदर उत्तेजना ज्यादा है हमारा जो प्रोवोकेशन नेचर ज्यादा है हम जो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं ना उसको शांत करने के लिए आपको लेफ्ट अंदर राइट बाहर राइट मतलब उत्तेजना राइट मतलब क्रोध राइट मतलब अनइजीनेस राइट मतलब टेंशन राइट मतलब स्ट्रेस अब बाहर निकाल रहे हो तो इसका जो ना आनंद और ही आएगा आपको तो हम आज नंबर 1 गिनेंगे और सब आप करके कल शेयर करोगे और मैं भी आज अपने को चाहिए तो नंबर 1 पे ही गिनूंगा मैं। हम सभी आज रात को और सुबह उठने के साथ चंद्र भेदन ही करना है जो 10 मिनट का प्राणायाम बताया ना वो आपको आगे करना है तभी कर सकते हैं नाश्ते के बाद नाश्ते के पहले लेकिन जैसे ही नींद से उठे ना मैंने आज सुबह तो नहीं किया क्योंकि मेरे को और भी सारे बहुत सारे काम रहते हैं सुबह को इसलिए मैंने सुबह तो मैं नहीं किया 2-3 मिनट ही किया होगा लेकिन फिर मेरे को आगे के सब हमारा कार्यक्रम रहता है तो इसलिए मैंने नहीं किया सुबह को और मुझे इतनी जरूरत भी नहीं है पर मैं रात को किया और अगर कल टाइम मिलेगा तो मैं कल करूंगा सुबह उठने के साथ भी इफ टाइम परमिट्स मी टू डू सो। ओके चले आगे। यस प्लीज मैं आपको एक बात आगे जाने हाँ हाँ बोलो एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या लेफ्ट का हाँ हाँ बोलो लेफ्ट से लेना लेफ्ट से निकालना है बोलो बोलो मुझे ये पूछना है कि जब हमने रात को लेफ्ट पहले कोई भी एक मिनट कोई भी सवाल करने के पहले प्लीज अपना नाम बताओ कहाँ से बोल रही हो वो बताओ और फिर प्रश्न पूछो प्लीज। ओके मैं प्रनीता पुणे से बात कर रही हूँ। हाँ 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 मुझे ये पूछना है कि जब हमने 21 मिनट्स लेफ्ट इन राइट आउट किया उसके बाद मोबाइल वगैरह तो नहीं देखना चाहिए या उसमें कोई बात नहीं है? नहीं क्या है एक्चुअली मैं सिर्फ क्यों बोल रहा हूँ कि आई फील कंफर्टेबल जब मुझे लंबी प्रैक्टिस करनी होती है मैंने कपालभाति 1-1 घंटे की 4 बार प्रैक्टिस किया 1 आवर कपालभाति ओनली कपालभाति मैंने हर हर प्राणायाम को बहुत डीप में किया है सेक्शनल ब्रीदिंग में एक एक प्राणायाम को 45-45 मिनट मैंने किया है बट आई एंजॉय इन कीपिंग द टाइमर विद मी और मुझे अच्छा लगता है कितना मैंने कर लिया कितना बाकी है इतना कर लिया इतना बाकी है तो बाकी मोबाइल वगैरह नहीं देखो तो ज्यादा अच्छा है उसके बाद में ठीक है द मोर एक बार आपने मन को शांत कर लिया फिर क्या क्रिएट कर रहे हैं सर मैं थोड़ा हमने नर्व्स को काम डाउन किया है
फिर मोबाइल देखोगे तो फिर वापस वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा ना, उसके बाद बिल्कुल बंद कर दो, आंखें बंद करके सो जाओ। तो सब कुछ खत्म कर लिया उसके बाद 20 मिनट मैं सोने के मोड में था बिल्कुल, सब कुछ आई वॉज गोइंग टू स्लीप। मैंने फिर चालू किया 21 मिनट तक, मिसेस खुद मेरे को देख रही थी कि ये क्या कर रहा है करके, वो कुछ बोलती नहीं है मुझे, लेकिन मैंने पूरा 29 मिनट कंप्लीट किया, उसके बाद ही मैं सोया। ओके चलिए आगे। भाई जी मेरी बात पूरी नहीं हो पा रही, प्लीज मेरी सुन लीजिए एक बार। हेलो हेलो सर, बोलो थोड़ा बताऊं। हाँ भाई जी, मैं चौधरी अशोक यार दिल्ली से। बताओ बोलो। एंजाइटी डिप्रेशन के लिए आपने रात को बताया था लेफ्ट इन लेफ्ट आउट करना है। देखो मेरी बात सुनो जी, मैं आपको ले जा रहा हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम पर जी। उसमें ले जाने के लिए हम फंडामेंटल से कर रहे हैं कि कैसे नासिकाओं को पहले शुद्ध करना है, खोलना है। अगर आप लेफ्ट नॉस्टल से ले रहे हैं, राइट से छोड़ रहे हैं, राइट से ले रहे हैं, लेफ्ट से छोड़ रहे हैं, लेकिन आपकी ना लेफ्ट ना राइट नॉस्टल में अंदर ही ब्लॉकेजेस हैं, तो आपको अनुलोम विलोम का फायदा कम मिलेगा ना। ऐसा कोई सिखाता नहीं है, बता रहा हूँ, कोई किताब में नहीं मिलेगा आपको ऐसा जो मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी टीचर दमयंती बेन बोदाना जो बहुत ही ग्रेट टीचर मेरी रही है, कभी उनको यहाँ पर ले आऊंगा प्लेटफॉर्म पर, उनके सिखाए हुए मेरे पास सब रिकॉर्ड्स हैं। आज भी मेरे पास वो प्राणायाम की बुक है जो उनके क्लास में जाके करता था ना, लिखता था मुझसे कपाल भाती, तो मेरा इतना जबरदस्त प्राणायाम था ना कि मैं कपाल भाती के ऊपर मैं 2 घंटा बोल सकता हूँ कपाल भाती के ऊपर, इतना मेरे को कपाल भाती से प्यार है। ओके चले आगे। यस, सबसे पहले हम कर रहे हैं एंग्जाइटी फॉर द हार्ट, राइट। कई बार क्या होता है, व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी, दिल घबराता है कि ना उस समय, एंग्जाइटी मतलब बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, वो कहाँ होती है, माइंड में थोड़ी होती है। घबराहट एक फीलिंग है, व्याकुलता एक फीलिंग है, बेचैनी एक फीलिंग है। फीलिंग कहाँ होती है, हार्ट में होती है, राइट। तो पहले हमने बॉडी के लिए भी मैंने भी पूरा नहीं कराया, मैं कराऊंगा आज। हम हार्ट पर ले रहे हैं, सभी पहले पानी पियो, टेक वाटर। यस, करड़े चौपॉइंट पर आओ, सभी टैपिंग करो 3 बार और कहो, एक दो जन अपने आप को अनम्यूट करके मेरे साथ बोलेंगे ताकि मुझे पता चले कि मैं आगे बोल सकता हूँ। 1 or 2 प्लीज ओपन योर सेल्फ एंड से विथ मी। यस कहो, मैं एंग्जाइटी के उस लेवल से गुजर रहा हूँ जहाँ मेरा दिल भी बहुत भारी हो जाता है, एक बोझ सा लगता है दिल पर, मैं उसे एक्नॉलेज करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। This anxiety, which is making my heart very heavy. But now I am open to letting him go. मैं अब अपने दिल को हल्का करने के लिए वो जो सारी बातें जो मुझे भारी करती हैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तीसरी बार कहेंगे, देखो आप या तो देखो छोड़ने को तैयार हो मतलब यू आर लविंग योरसेल्फ, तो बोलने की जरूरत नहीं है, यू आर एक्सेप्टिंग डिस्पाइट आई टोटली एंड डीपली लव एंड एक्सेप्ट माय सेल्फ, लेकिन हमने क्या कह दिया, उसको छोड़ने को तैयार हूँ, मतलब आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं, वहां वो सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है, योर फीलिंग इज इम्पोर्टेंट। तीसरी बार एंग्जाइटी ने दिल पर मुझे बहुत भारी कर दिया है, लेकिन मैं
अब अपने आप को चुनता हूँ इस बोझ से मुक्त होने को अपने आप को रिलैक्स करने। राइट, अभी हम क्या करेंगे, 3 राउंड नेगेटिव करेंगे और 1 राउंड पॉजिटिव करेंगे। उसके पहले जिनके भी जो भी यहाँ पर से बैठे हैं ना, कोई बात को लेकर, कोई घटना को लेकर, किसी के व्यवहार को लेकर, किसी के स्वभाव संस्कार को लेकर, जो भी आपके अंदर जो बोझ है ना, एंग्जाइटी जिसकी वजह से है, उसकी इंटेंसिटी को प्लीज नोट करो। और मैं 3 राउंड नेगेटिव कराऊंगा, 1 राउंड पॉजिटिव कराऊंगा, फिर आपकी इंटेंसिटी कितनी है ना, तो वो आपको फिर चेक करनी है। ओके, यस, 3 राउंड हम नेगेटिव करेंगे। कब हेड पे आओ, सभी कब हेड पे आओ। यस, ऑल दिस एंग्जाइटी इन माय हार्ट, ये भारीपन मेरी जिंदगी में, एक पत्थर के समान बोझ है ये। All these feelings, which are not good at all. Every bad feeling, is making me, to feel low. What is anxiety? ये व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी मेरे दिल से क्या महसूस करा रही है? कौन सी ऐसी स्मृतियां हैं मेरे मन में जो मेंटल स्क्रीन पर आते ही मुझे बोझिल कर देती है। क्या मैं उन बातों को ज्यादा पकड़ के तो नहीं बैठा हूँ। मैं जानता हूँ जो बातों को जितना ज्यादा पकड़ता है अपने मन या दिमाग में उतना ही ज्यादा हमारी रक्त वाहिनियों में आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है और आई बिकम हार्ट पेशेंट। सेकेंड राउंड चल रहे हैं, कब दैट पे आप सभी वापस। क्या मुझे हो गया है जो मैं अपने आप को हल्का नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं अगर तुम दिल बड़ा रखोगे सभी को तहे दिल से क्षमा कर दोगे और क्षमा मांग लोगे तो मेरी मदद आपके लिए हाजिर हो जाएगी। मेरे लिए बिल्कुल ही सेफ है कि मैं अच्छा फील करूं। This fear and anxiety. Why I can't leave tension. I know. It is okay. To feel good. But I can't. मैं जब मेरा दिल खराब होता है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
जो भी मेरे सामने होता है, जो भी मेरे सामने होता है, मैं चाहते हुए भी उसे प्यार नहीं कर सकती, उसे प्यार नहीं कर सकता। लव हाँ, वो सबसे पावरफुल फोर्स है, सबसे फोर्स है ब्रह्मांड में जो मुझे वो सब कुछ लाकर देता है, वो मुझे सब कुछ लाके देता है जो मैं चाहता हूँ। और एक राउंड नेगेटिव करेंगे। देखो अभी मैं बोलते जाऊंगा, लेकिन आपके अंदर जो जो फीलिंग है ना, दिल को भारी लेकर आप है ना अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। मैं तो कराऊंगा, सुजीत मेरे साथ बोल रहे हैं, लेकिन आप है ना आपको अपनी फीलिंग्स को बोलो, राइट? आई एम टॉकिंग जनरल, तो आप अपनी फीलिंग को बोलते जाओ और एक राउंड पूरा करो। यस, मैं जनरल से बोलूंगा, दिस एंग्जाइटी, दिस हैवीनेस इन माई हार्ट, राइट? दिस एंग्जाइटी, दिस हैवीनेस इन माई हार्ट, दिस अनइजीनेस, I know, the power is in the now, ticket है, love, वर्तमान में जीने का, which carries all the power, मैं जब दिल से भारी हो जाता हूँ, कुछ अच्छा मुझसे होता ही नहीं, न अच्छी सोच, न अच्छे बोल, न अच्छे कर्म, हर तरह I feel stuck up. I feel lost, exhausted, depressed, and anxious. All the bad feelings. Create. Unwanted things for me. जो मैं नहीं चाहता हूँ। किसी प्रकार की चिंता। भय। निराशा। वो सब। I keep on attracting. Right? अभी हम पॉजिटिव राउंड में जाएंगे। मेरे लिए बिल्कुल ही सेफ है कि मैं स्ट्रेस को बाहर रखूं। मेरा दिल हर वक्त मुझे सपोर्ट कर रहा है, जिसके लिए मैं इस वक्त भी जिंदा हूँ। I send my love and gratitude. All gratitude for my heart. I'm sending love and appreciation for my heart. I know the power of love is the greatest. Unconditional love. मेरे लिए एक वरदान साबित होता है। मैं दिल को बड़ा रखकर हर काम करूंगा जिसमें मुझे भगवान का साथ मिलेगा। I know what is love. I am feeling grounded and safe.
I'm feeling so powerful. Which is showing. In my every action. Just relax. अब लंबी गहरी सांस लो. मुझे सांस को बाहर निकालो. टैपिंग के बाद पानी जरूर पिया करो. बिल्कुल ही ध्यान रखो. तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है एक्चुअली. यस. अभी एंजाइटी का हाउ यू आर फीलिंग नाउ बिफोर दिस टैपिंग एंड आफ्टर दिस टैपिंग. इंटेंसिटी आपको तो ऐसे ही लग रहा है. मुझे भी खुद हल्का लग रहा है. हाउ यू आर फीलिंग विजय लक्ष्मी. ओम शांति भाई जी. हाँ ओम शांति. नाम आपका बोलिए पहले. मैं अंकिता बोल रही हूँ. हाँ बोलिए. मेरा अभी है ना 10% था. मैं बहुत ज्यादा 2 घंटे से सो रही थी. मेरे को बहुत एंजाइटी थी. मैं उठ भी नहीं पा रही थी. और अभी मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ. समझो 2-3% बहुत ही बेटर. बहुत हैवीनेस. कितनी थी पहले लेवल? कितनी थी एंजाइटी की? 10 था. 10. अभी 2-3% बोलूंगी. 2-3. ब्यूटी. देखो शी द ब्यूटी. रियली मैं बहुत मतलब इतना हैवीनेस था कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी. अनकॉन्शियस चक्कर से आ रहे थे. देखो सी द ब्यूटी. कलेक्टिवली हम करेंगे ना. कलेक्टिवली राइट. हालांकि रोज सेशन करना मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं क्यों करता हूँ कि अगर रिजल्ट अच्छे आएंगे ना तो आप ईएफटी की तरफ और अट्रैक्ट होते चले जाएंगे. मैं आपको एक बात पहले बता देता हूँ. थैंक यू अंकिता जी. मैं आपको पहले बता देता हूँ. कल है ना मैंने वो जो केस था ना सीजर का है ना मालूम है, उसको बच्चे को 21 दिन के बाद फिर से अटैक आया. वो ना कोई बात याद नहीं कर पा रहा था. और जब तक वो बात क्लियर नहीं होती सीजर अटैक आता रहेगा उनको है ना. यह प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा. कल मैंने रात को 9 बजे उनका चालू किया. करीबन 1.5 घंटे का सेशन मेरा चला. जो बात उनको याद नहीं आ रही थी ना तो उसका भी एक टेक्निक है. उस टेक्निक से उन्होंने कुछ बोला भी नहीं मुझे. बिना बोले भी मैंने उनको अलग टेक्निक से कराया. एक में बोल सकते हैं टेल द स्टोरी टेक्निक, दूसरे माइंड मूवी टेक्निक. मन में वो सब चलाना है और उससे है ना उनकी वो बात उभर कर बाहर आ गई. क्या थी मुझे पता नहीं है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी में उनको सब देख रहा था. इसका मतलब ये है कि ईएफटी आप लोगों के साथ साथ करते कराते मैं भी और आगे बढ़ रहा हूँ. मुझे बड़ी खुशी है कि आई एम बिकम मोर एक्सपर्ट इन दिस. आई एम बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट इन दिस. आई एम बिकमिंग मोर ब्लेस्ड विद दिस. राइट. तो हम ऐसे आज मेरे को सब आज सब पूछा गया था कि पैनिक अटैक के लिए कर सकते हैं क्या. फिर आया था किसने उसमें ही लिखा था कि पार्किंसंस के लिए कर सकते हैं क्या. पार्किंसंस मतलब क्या होता है? ऐसे कंपन होता है बॉडी में. ऐसा है ना हार्ट हिलता है. तो कोई भी बीमारी का कारण क्या है बताओ मुझे. व्हाट इज द रीजन फॉर एनी डिजीज इन द बॉडी? यू नेम इट एनीथिंग. कारण है इमोशनल सप्रेशन. इमोशन होती है सोच के पीछे होता है. मेरा सवाल क्या है कि हर बीमारी के कारण के पीछे हमारे बॉडी में ऊर्जा का इम्बेलेंस होना है. आप बीमारी का नाम चाहे कुछ भी दे दो, लेकिन कारण क्या है? द इम्बेलेंस इन द बॉडी. जब हम ईएफटी करके बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करते हैं तो बीमारी रहेगी कहाँ से, चाहे वो कैंसर है चाहे वट एवर इट इज. लेकिन हमको क्या डीप रूट तक जाना होता है कि कहीं कोई चीज रह तो नहीं गई है जिसको हम टैपिंग करके नहीं निकाल पा रहे हैं. राइट. ये सभी और कौन बोलना चाहेगा प्लीज ओपन आउट. ओम शांति भाई जी. मेरा नाम सोनम है. भाई जी मेरा है ना अभी अंकिता दीदी ने ही बताया ना चक्कर से मेरे को भी आ रहे हैं. सोनम गुप्ता. सोनम गुप्ता बोल रही हैं आप आगरा से? हाँ जी भैया. हाँ जी. बहुत भारी वॉमिटिंग सा भी आ रहा था मेरे को. बहुत अनइजी सा लग रहा था. लेकिन अभी क्या ना वो एंजाइटी और स्ट्रेस मेरा मतलब 5 समझ सकते हैं. 5 तक आ गया है. पहले कितना था? पहले भाई 10 तक था. अभी सेंटर से भी आई थी लेकिन अचानक से वो घबराहट सी और वो सब फिर से होने लगा. 10 आउट ऑफ 10 इन द सेम राउंड. हम लोग 5 तक हमारे सामने 2 केसेस अंकिता बहन है, ये हमारे सामने सोनम बहन है. देखा ना आपने. अरे सारी रिकॉर्डिंग होके ना आगे भेजो लोगों को. पुण्य करो. आपने भेजा किसको फायदा होगा ना आपको पुण्य मिलेगा. हाँ बोलो. मुझे एंजाइटी के जब ज्यादा हो जाती है ना तो मेरा ये लेफ्ट हैंड पाम जो ना शेक करने लगता है एकदम. मुझे राइट हैंड से पकड़ के रुकाना पड़ता है. ट्रेम्बलिंग होता है मतलब. हाँ मेरे मतलब इसी डर से ज्यादा कुछ भी कर रही तो रोक देती हूँ वही काम, नहीं तो गिर पड़ जाएगा हाथ से जो सामान लिया है कुछ. और फिर मुझे 5 मिनट कम से कम रुका के रहना तो फिर माइंड जब सेट होता है फिर काम स्टार्ट करना पड़ता है.
लेफ्ट हैंड में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो इट इज कमिंग फ्रॉम द मेल. अच्छा. पीड़ा आपको जिंदगी मेल की तरफ से आई है तो लेफ्ट हैंड साइड अफेक्ट होता है. पीड़ा अगर फीमेल से आई है, फीमेल से, तो फिर पीड़ा हमारे जो है राइट साइड में होती है, राइट में होती है. दैट इज इंडिकेशन. आपको पता लग गया होगा कि योर कॉज ऑफ योर एंग्जायटी इज सम मेल, राइट? यस. और कोई किसको बोलना है कुछ? शांति. हां, ओम शांति भाई जी. हां जी. मेरे को ना ये नाम पहले नाम बाड़ी बाड़ी. हां, मैं श्वेता हूं, झारखंड से. श्वेता. हां. गाड़ी चलाने, हाँ, गाड़ी चलाने का बहुत ये है मुझे फियर. स्कूटी वगैरह ऐसे खाली रोड पे चला लेती हूँ, लेकिन ट्रैफिक में या फिर मेन रोड में नहीं चला पाती हूँ. तो फियर के लिए भी हम कर सकते हैं ना ईएफटी. फियर के लिए ईएफटी करो के मैं इस बात को, मैं स्कूटर चलाने से डरती हूँ फिर भी अपनों से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ. बराबर. एक राउंड दो राउंड नेगेटिव करो, उसके बाद है ना आपको किससे डर लगता है स्कूटी चलाने से? मैं पब्लिक से डर लगता है या जो चलाने वाले हैं वो सेफर सामने से हैं, गाड़ी आती है उससे है. सामने से गाड़ी आती है भी है ना, उसको लेकर टैपिंग करो, फिनिश, डर निकल जाएगा फॉर एवर. लेकिन भाई जी ग्रुप में एक बार करवाते ना तो ज्यादा इफेक्टिव रहता, मुझे लगता है ग्रुप से. हाँ तो फिर क्या, आज मुझे प्राणायाम का भी कराना है और भी टाइम ज्यादा नहीं है. बहुत थकी हुई थी सुबह से, आज सेशन लेने का मन नहीं कर रहा था. हाँ करा दो, करा दो. आयुषी ऋषिकेश से. आज मैं बहुत थकी हुई थी तो सेशन करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन आपने भेजा स्पेशली नोट लिख के कि आज मैं एंजाइटी के लिए करवाऊंगा. मैंने कहा ये सेशन बहुत अच्छा है, करना है. तो अब बहुत हल्का फील कर रही हूँ मैं. बहुत मैं थकी हुई थी, बहुत हल्का. लेवल पहले कितना था थकान का? लेवल था 8-9 तो था, मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा तो नहीं थकी हुई थी, लेकिन थकान थी काफी. लेकिन अब तो बिल्कुल ही हल्का लग रहा है. आपके चेहरे से भी लग रहा है, चेहरे से भी लग रहा है एक्चुअली, राइट? और कोई बोला आयुष, श्वेता वेलकम बैक टू यू, वेलकम बैक टू यू. मैं कराता हूं अभी आपको शॉर्ट में. ओम शांति. हां यस, एनीबॉडी एल्स प्लीज. भाई जी, मैं तनिषा बोल रही हूं. भाई जी, मैंने बोलो किया था कि देवेंद्र शुक्ला जी हैं हमारे बीच में, उनको पैरालिसिस है, मेरे रिलेटिव. हां हां, तो मैंने आपको मैसेज किया था. हां हां, और भी एक केस लिखा था आपने, एक तो पहले से, दूसरा किसको भी कुछ था ना कुछ. हाँ, पार्किंसन. पार्किंसन पैरालिसिस में कर सकते हैं. पहले आप है ना लोकल करो कि मैं पैराटिक अटैक होने के बाद अपने आप को पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा हूँ. आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली हेल्पलेस. ग्लोबल इश्यू लेकर करो, ग्लोबल इश्यू ऊपर ऊपर से लेके. बराबर. अभी जो पैराटिक अटैक आया है इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे इमोशनल कंपोनेंट्स हैं उसके पीछे. कोई ना कोई घटनाएं हैं, कोई ना कोई इमोशंस हैं, इवेंट्स हैं, उसको लेकर धीरे 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 करके आप टैपिंग अगर करोगे ना तो नेचुरली आपको बता रहा हूँ मैं कि इसमें दुनिया की कोई भी जो बात हेल्प नहीं कर सकती, एनी अदर अल्टरनेट थेरेपीज ना, वो यहाँ ईएफटी डेफिनेटली काम कर सकती है. इट विल डेफिनेटली वर्क. पहले ग्लोबल लो, गोइंग टू डीपर ऑफ दैट. आपके कौन लगते हैं वो भाई जी? देवेंद्र भाई जी हैं हमारे ग्रुप में बीच में, वो दो तीन दिन से अटेंड कर रहे हैं क्लासेस. अच्छा अच्छा, आप उनसे भी बात कर पाएंगे? वो अनम्यूट कर दें अगर खुद को. देवेंद्र नहीं, नहीं गुरु जी नमस्ते. हाँ नमस्ते, बोलिए गुरु जी. मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सही आ रही है. हाँ बोलिए. तो मेरे हाथ बिल्कुल काम नहीं करते सर. गुरुजी मेरे ये हाथ बिल्कुल काम नहीं करते. हाँ समझ गया. लेफ्ट हैंड अगर काम नहीं कर रहा है तो आप राइट हैंड से 5 मिनट ज्ञान मुद्रा, 5 मिनट पहले प्राण मुद्रा करो फिर वायु मुद्रा करो, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में सेंसेशन आना चालू हो जाएगा. दोनों ही मुद्रा में शेयर कर रहा हूँ, जो हाथ चल रहा है ना वहां से अगर आप पहले प्राण मुद्रा करोगे 5 मिनट प्राण मुद्रा ऐसे तीनों उंगलियां मिला के, लिटिल फिंगर, मिडिल फिंगर, सॉरी फर्स्ट फिंगर एंड रिंग फिंगर मिला के अंगूठे के सामने, बाकी उंगलियां ऐसी सीधी, तो 10 मिनट ये या 5 मिनट, फिर 5 मिनट वायु मुद्रा आप करोगे तो यहाँ सेंसेशन आना इस बाजू चालू हो जाएगा. और फिर है ना आपको ईएफटी मुझे पर्सनली कराना पड़ेगा, क्योंकि आपके डीप रूट में जाना पड़ेगा ना कि आपको जिंदगी में कहाँ तकलीफ आई है,
कौन सी एरिया में आप अपने आप को हेल्पलेस समझ फील कर रहे हैं, कहाँ पे आप अंदर ही अंदर घुटते चले जा रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं मिला है लाइफ में, वो सब रीजन होते हैं सब ये करने के लिए। जी सर, जी गुरु जी। है ना, आप फिर मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना, या तो फिर यहाँ पर अगर आप सब कुछ बोल सकोगे तो मैं यहाँ भी कराऊंगा। बोलो मेरे को, आप बोल सकोगे सब कुछ? बिल्कुल गुरु जी, जहां जहां से तकलीफ आएगी सब सब। गुरु जी एक्चुअली 2008 में मेरे फादर गुरु जी आवाज आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलो। आवाज आ रही मेरी आप? हाँ बिल्कुल आ रही है, एकदम क्लियर। 2008 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। देखो जो भी बात है ना, जो भी बात है ना आपको मैं जब लूंगा ना तब मुझे बताना। कहीं ना कहीं ऐसे ट्रॉमास हैं लाइफ के जिसने आपके एनर्जी को ब्लॉक किया है, एंड पैलेटिक अटैक आपको आया हुआ है। पैलेटिक अटैक रीजन किसका होता है? हार्ट का जब ब्लड पंप नहीं करता है ना ब्रेन में, तो फिर उसका जो है ब्रेन स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक की वजह से ही होता है, स्ट्रोक की वजह से। तो मैं ना आपको लूंगा, आपने मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना और फिर मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा और यहाँ पे भी लूंगा। अगर आप यहाँ तैयार हैं तो फिर मैं यहाँ भी लेने को तैयार हूँ। यहाँ पर लेने का क्या फायदा है सभी को मालूम पड़ेगा, मैं केसेस कैसे लेता हूँ, है ना? ओके, जैसा बोलेंगे। हाँ ओके, यस एनीबॉडी एल्स वांट टू? ठीक है, जिन्होंने कॉन्टेक्ट किया है ना मुझे, अभी बहन बैठी है यहाँ पे, मैं नाम पता नहीं, नहीं क्या नाम था बहन मुझे। हाँ यस आई कैन हियर, यहाँ पे रियल में लिखा है ना आपका नाम क्या है बहन जी? तनीषा। तनीषा, हाँ तनीषा आपने नाम लिखा था अपना। तनीषा आप इनके साथ बात करो और मुझे भी व्हाट्सएप पे लिख के भेजो, इफ शी इज रेडी ना तो मैं इनको लेंगे, क्योंकि पैलेटिक अटैक के बहुत सारे केसेस है ना। तो अगर हमारा लाइव रिकॉर्डिंग होगा तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द अदर्स आल्सो हु आर सफरिंग फ्रॉम द पैलेटिक अटैक, हाउ वी गो अबाउट इट ना, ये सभी सीखेंगे। अगर आप उनसे बात करना भाई साहब से, मुझे मैसेज देना, देन वी कैन टेक अप हिज केस, ओके, लाइवली इन दिस सेशन। तो कलेक्टिवली सब करेंगे उनके लिए, तो उनको फायदा सबसे ज्यादा होगा। गैरी क्रेग अपने बड़े बड़े ग्रुप की मीटिंग में सैकड़ों ऐसे कॉम्प्लीट केसेस बिठाते थे, और कईयों के तो प्रॉब्लम ऐसे दूसरों को जो कॉम्प्लीट केस एक लेते थे, दूसरों प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाते थे। तो हो सकता है इनके 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 भाणे और का भी भला हो जाए सबका, है ना? तो जस्ट बी इन माई टच, be in my touch, then I'll check to tell you the time and date when you can take. Sir ji, मैं शिवानी चटर्जी बोल रही हूँ from Thane West, Maharashtra. Sir ji, आज सुबह से सर मैं बाहर गई थी, मैं 7 बजे आई, I was so tired. मैं सोचा करूँ क्या attend, मैं बोला नहीं करती हूँ. But after doing this and all, और चंद्रा वो जो मैंने रात को किया था सुबह उठने के बाद, मेरा बहुत अच्छा नींद आया था रात को, और अभी भी मैं टायर्ड थी, अभी ये करने के बाद मेरा 7 लेवल से अभी 1 लेवल पे आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। 7 में से 1 पर आया, वंडरफुल, अच्छा फील हो रहा है। देखो अभी और किसको बोलना है, लास्ट एक कोई बोलिए फिर मैं आगे जाऊंगा, प्लीज एनीबॉडी वांट टू शेयर या फिर वी कैन गो अहेड। नंबर नोट पर इसको व्हाट्सएप कर दीजिए, यस। तो हम है ना आगे चलेंगे, होमवर्क आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि रात को सोने के पहले अगर कोई ठीक है ना तो भी नींद गहरी आएगी। अगर आपको कुछ तकलीफ नहीं है, आप करोगे ना तो आपका अपना जो रेजिस्टेंस है टू फाइट द डिजीजेस, टू ओवरकम द सिचुएशन सरकमस्टेंसेस जो चैलेंजिंग है, आपका पावर बढ़ेगा। नींद जितनी ज्यादा गहरी होगी ना, और रात को आप ये चंद्र वेदन करके सोओगे ना, दैट मीन्स यू आर रिमूविंग ऑल द एंग्जायटी, all the nervousness, all the mental fatigue, all the reactive nature, तो सभी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो रात को ना 7 मिनट 14 मिनट 21 मिनट तक आप लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ो, ये प्राणायाम आप करोगे। और एसिडिटी के बारे में एक बात बताना भूल गया हूँ कि जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है ना, वो ना आंवला आता है, आंवला वो है ना, आप अपने ही अपने पास रखो, और खाना खाने के बाद अगर आप आंवला लोगे ना, आंवला, तो वो एसिडिटी को दूर करता है। इट इज वो अवेलेबल रहता है मार्केट में गोली के रूप में, छोटे सॉफ्ट होता है वो, इट लाइक ए चॉकलेट ओनली। तो आंवला भी अगर चबाओगे ना तो उससे भी एसिडिटी कम होती है, राइट? बटर क्या है, तले हुए और ज्यादा जो है पदार्थ कौन से जिसमें तेल होता है ज्यादा, उसको अवॉइड करो। 30% फूड दिन को आप सलाद खाओ, गॉड मेड फूड, प्लांट मेड फूड,
प्लांट मेड फूड इज सात्विक इन द नेचर. सात्विक फूड क्या करता है, आपके बॉडी से कचरे को बाहर फेंकता है. राजसिक फूड क्या करता है, न कचरे को बाहर फेंकता है न कचरे को अंदर लाता है. और तामसिक फूड क्या करता है, तामसिक फूड सिर्फ कचरे को अंदर लाता है. तो ऑल द प्लांट फूड, गॉड मेड फूड, नेचुरल फूड्स, वो आप अगर ज्यादा इसमें रखोगे ना तो अल्कलाइन और एसिडिटी का बैलेंस होगा. और दूसरा मैंने जो कल आपको बताया था कि जीभ को है ना, आप मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक्चुअली ये जो कल मैंने बताया जीभ को किसने किया है, जीभ को ऐसे रगड़ा है अंदर डाल के तालू पे, फिर जीभ को आगे पीछे घुमाया है किसी ने? हाँ सर, मैंने किया है भाई जी, भाई ने किया था, मैंने भी किया है, मैंने किया है, किया था भाई जी, मैंने भी किया. ठीक है, और 10 मिनट आपको क्या करना है, अगर 10 मिनट नहीं करोगे तुम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. मैं आपको आगे आगे ले जाऊंगा. देखो अगर आप समझो एक दो तीन लिया एक दो तीन छोड़ा लेफ्ट से ही, अगर आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है, आप एक दो तीन चार लिया एक दो तीन चार छोड़ा, एक दो तीन चार पांच लिया एक दो तीन चार पांच छोड़ा, रेशो 1:1 पे ही चल रहे हैं हम लोग, इसके आगे मत बढ़ना. मैंने भी आज किया है तो 1:1 का रेशो किया है. मैं से कहीं आगे का रेशो कर सकता हूँ, करता भी हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं किया है. मैंने वही किया है जो मैं आपको करा रहा हूँ केजी क्लास से लेके, मैंने भी आज वही किया है. तो आप भी 10 मिनट और एक्स्ट्रा करोगे तो आपके नर्व जैसे ही खुलते चले जाएंगे ना, तो ऊर्जा जितनी ज्यादा विकसित होगी ना बॉडी के अंदर, उतना ज्यादा स्टार्ट फीलिंग मोर पॉजिटिव इन द लाइफ. ओके, एक होमवर्क दिया है रात को, चंद्र भेदन प्राणायाम, चंद्रांग प्राणायाम, और पांच प्राणायाम मैंने बताए हैं. कौन बताएगा मुझे पांचों प्राणायाम? एनीबॉडी प्लीज टेल मी. सर चंद्रांग, चंद्रांग, चंद्रभेदन, सूर्यांग, सूर्यभेदन, अनुलोम विलोम. लाइन से नहीं बताया, आयुषी आप बताओ. चंद्रांग, सूर्यांग, चंद्रभेदन, सूर्यभेदन और अनुलोम विलोम. करेक्ट, दिस द सीक्वेंस शुड बी फॉलोड. ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तब आपको मतलब क्या भूलेगा नहीं, ये मुझे आया. अभी टाइम हमारे पास करीबन 10 मिनट है, तो मैं ना आपको थोड़ा कैसे खोलते हैं ना अपने आप को, जिनको ज्यादा वात है, जिनको ज्यादा वायु बॉडी में बनती है, बहुत ज्यादा डकारें आती हैं, तो आज हम बैठे बैठे दो तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ वीडियोस. तो हम बैठे बैठे ना एक अभ्यास करते हैं, इसको हम कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम, इसको कहते हैं हम एंटी रूमेटिक प्रैक्टिसेस, गाउट, गठिया रोग या फिर आर्थराइटिस, तो सभी है ना. आप क्या करो, आप दोनों बाहों को आगे ले आओ, दोनों बाहों को आगे ले आओ, मेरे पोस्चर को बड़ा करके देखो सभी, हाईलाइटिंग कर दो आप भावना, दोनों बाहों को कंधों की लाइन में ले आओ, यस, और पांचों उंगलियों को फैलाओ, जोर से फैलाओ बाहें कंधों की लाइन में. अब मुट्ठी को बंद करो, अंगूठे का बाहर रखो, अंगूठा छोटी वाली उंगली के पास में, जो रिंग फिंगर है ना वहां पर रखो, रिंग फिंगर के पास में, और जोर से उसको दबाओ, बंद मुट्ठियों को जोर से दबाओ, प्लीज प्रेस इट हार्ड. अंगूठा बाहर रखकर पांचों ही उंगलियों को फोल्ड करो और अंगूठा वापस को खोलो. जो कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करते हैं उनके रक्त का संचार नहीं होता है लास्ट एक्सट्रीमिटीज तक, फिर इसको बंद करो, जोर से बंद करो इसको नाओ, दोनों बाहें कंधों की लाइन में. अब रिस्ट से ऊपर नीचे करो, ये गर्दन की सारी पीड़ा को दूर करता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट. अब अंगूठा अंदर रखो, मुट्ठी को बंद करो, दोनों ही बंद मुट्ठियों को आप 10 बार सीधा घुमाओ मिला के. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now, इसके बाद में मैं आपको जो है आगे कल बताऊंगा, आज मेरे को थोड़ा मैं तीन पार्ट ले रहा हूँ. तो अब हम चल रहे हैं आगे इसकी तरफ. दोनों बाहों में तीन ज्वाइंट होते हैं, है ना, एल्बो ज्वाइंट, दिस इज द शोल्डर ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट एंड दिस इज द रिस्ट ज्वाइंट. तो अभी सभी यहाँ पे रखो, दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पे रखो. 1, 2 झटके के साथ नहीं, 3, 4, 5, 6, 7 लेटरल बैंड साइडवर्ड. 1 बाएं कंधों की लाइन में, 2, 3 लेवल ऑफ शोल्डर्स, 4, 5, 6, 7 अप एंड डाउन. 1, 2, 3 करेंगे उतना ही जितना हो सकता है, ज्यादा थी जल्दबाजी
जबरदस्ती बिल्कुल अलाउड नहीं है यहाँ पर। यस राइट। अभी जो है हम करेंगे किसके लिए, दोनों हाथों के पहले उंगलियों को कहीं पर, जिनको बाहों में दर्द होता है ना वहां आ जाता है, कहीं पर भी एनीवेयर यू गॉट अ पेन इन द आर्म्स, दोनों हाथों उंगलियों को इंटरलॉक करो, हथेलिया बाहर की तरफ ले जाओ राइट। अब नीचे से ऊपर की तरफ खोलो, वन टू, उंगलियों के ग्रिप खुलने ना पाए, तीन चार पांच छ सात, रिलैक्स राइट। मैं थोड़ा शॉर्ट में करवा रहा हूँ, एकदम इजी करवा रहा हूँ। अब हम चल रहे हैं शोल्डर्स की तरफ, दोनों हथेलियां जंगा के ऊपर रखो, हथेलियां जमीन की तरफ, जंगा ऊपर रखो, रोटेट या पीछे सपोर्ट लिया तो उसको छोड़ दो, शोल्डर्स के लिए कर रहे हैं, शोल्डर की वात दूर करने के लिए, वन टू कंफर्टेबली, बिग राउंड सर्कल, फोर फाइव सिक्स सेवन, उल्टा हथेलियां अपनी जगह से नहीं लेगी, हथेलियां नहीं लेगी, ध्यान रखना सभी, हथेली नहीं होगी, उल्टा घुमाओ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, शोल्डर सॉकेट रोटेशन आप चाहे तो एक हाथ से कर सकते हैं, चाहे दोनों हाथ से कर सकते हैं, दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों के पास रखो, एल्बोज को आगे मिलाओ, वन, बाहों को कानों से लगाओ, बाहों को बगल से लगाते हुए फिर से एल्बोज को आगे मिलाओ, वन टू, गर्दन सीधी, थ्री, जो नहीं कर सकते एक हाथ से करेंगे, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, देख रहे बिग सर्कल, टू थ्री, वन टू थ्री, लास्ट राउंड, वन टू थ्री, एंटी क्लॉकवाइज, एल्बोज को आगे मिलाओ, बाहों को बगल से लगाओ, कंधों को कानों से लगाओ, और फिर से एल्बोज को आगे मिलाओ, वन टू, आईज क्लोज्ड, जरा भी तनाव लेकर नहीं, जल्दबाजी जबरदस्ती ज्यादती बिल्कुल न करें, बी एट ईज वेरी कंफर्टेबली, वी आर रिवीलिंग द वात आउट ऑफ द बॉडी, जो पेन करता है हमें, सेवन राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज, बिग सर्कल अगेन, रिलैक्स नाउ, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करो, ले चलो ऊपर, वहां गर्दन के पीछे गर्दन सीधी, पुल इट डाउन, राइट साइड पुल करें, पहले एल्बो को बगल से लगाने की कोशिश करें, पीछे सपोर्ट न लें, अप दूसरी तरफ ले जाए नीचे, वहां गर्दन के पीछे गर्दन सीधी, एल्बो को बगल से लगाने की कोशिश करें, टेक इट अप, अपोजिट साइड पुल इट डाउन, फिर ऊपर ले जाओ, जिस भी तरफ कंधे में तनाव है वहां पर कट की आवाज आएगी आपको, आप ज्यादा लेफ्ट साइड सोते हैं, लेफ्ट साइड उठते हैं, लेफ्ट साइड बैठते हैं, वहां लेफ्ट साइड के कंधे में तनाव होता है, जब आप धीरे से राइट हैंड की तरफ से आप ऊपर आते हैं ना तो वहां पर कट की आवाज आती है, विच इज इंडिकेशन कि आप अपने कंधे के जहां भी तनाव है आइदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑन द राइट हैंड साइड यू आर एबल टू रिलीज, लास्ट राउंड रिलैक्स। अब हम लास्ट में करने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर अभ्यास, नेक मूवमेंट, मेंटल रिलैक्सेशन, एकाग्रता के लिए, यादा शक्ति के लिए, गहरी नींद के लिए, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, यस, आंखें बंद करके इसको बैठकर ही करना होता है, और जितने राउंड बताता हूं उतने राउंड ही करने हैं, गर्दन का दर्द हो तो उस वक्त गर्दन को आगे न झुकाएं, राइट, फ्रंट एंड बैक, पहला अभ्यास, ठोड़ी को छाती से लगाएं, गर्दन को कंधे के पीछे लेकर ड्रॉप कर दें, थ्री फोर, आप चाहें तो सांस को भरते हुए पीछे जाएं और छोड़ते हुए आगे आए, गर्दन का दर्द हो तो गर्दन को आगे ना झुकाएं, सेवन, हल्के से कटक की आवाज, गर्दन के साथों ही मणकों को वहां के जो ज्वाइंट्स हैं उनका लचीलापन बढ़ रहा है, कड़ापन दूर हो रहा है और मांसपेशियों का तनाव दूर हो रहा है, लास्ट राउंड स्लोली, झटके के साथ नहीं, नो लैटरल बेंड, दूसरा अभ्यास चल रहा है ये, आंखें बंद करके बैठकर इसको करना होता है, योर मुंह योर नेक, कीपिंग द चिन स्ट्रेट, बोथ द साइड्स, फर्स्ट ऑन राइट हैंड साइड, देन कीपिंग द चिन स्ट्रेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट एंड राइट मेक्स वन राउंड, ऐसे सभी धीरे धीरे करके अपने 10वें राउंड को पूरा करें, नेक मूवमेंट, मेंटल रिलैक्सेशन का अभ्यास नंबर दो,
सबसे बड़ा ज्वाइंट है जो सर को धड़ से अलग करता है। सारे दिमाग की तरफ जाने वाली नसें यहाँ से पास होती हैं, करंट बॉडीज, करंट साइनसेस, ओटा सबसे बड़ी नली जो हार्ट की तरफ जाती है, ब्रेन, हार्ट से ब्रेन की तरफ जाती है, वो भी यहाँ से पास होती है गले से। वेरी जेंटली हल्की सी कटकट की आवाज प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप अपने गर्दन के मणकों को रिलैक्स करने में सक्षम है। नाउ थर्ड, अब जितना भी टच कर सके कान को बाईं तरफ ले जाकर टच करें कंधे के साथ में, कंधा ऊपर उठाएं, बोथ साइड्स लेफ्ट एंड राइट, नेक्स्ट वन राउंड, सिर्फ आपकी गर्दन मूवमेंट हो रही है, कंधे बिल्कुल स्टेडी रहेंगे, आईज क्लोज, बैठकर इन अभ्यास को करना है, खड़े रहकर कभी नहीं करोगे, आंखें खोल कर नहीं करोगे। कीप ऑन मूविंग वेरी जेंटली, लेटरल बैंड, नेक मूवमेंट, 10 राउंड्स। यस, नाउ लास्ट राउंड, ना चौथा अभ्यास, ठोड़ी है ना, ठोड़ी को 45 डिग्री छाती के पास ले जाकर टच करो, चिन टच अंदर 45 डिग्री डाउन टू द चेस्ट, टेक इट अप, दूसरे रिले चलो, फिर सीधा कंधे की तरफ टच नहीं कर रहा, वहां तनाव बढ़ता है, नीचे की तरफ छाती की तरफ 45 डिग्री कोण बनाते हो, नीचे टच करो, ढाओ ऊपर, ऑन द अपोजिट साइड 45 डिग्री डाउन टू द चेस्ट, 10 rounds, you complete 10 rounds, very gentle movement, very comfortable movement, आनंद लेते रहें अभ्यास का, देखने में बहुत ही सरल, बहुत ही easy to perform, लेकिन छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, बीमार स्वस्थ, नया या पुराना, कोई भी इसको underestimate नहीं कर सकता है। बिहार योगा विद स्कूल, मुंगेर की देन है ये, बहुत ही सुंदर अभ्यास है ये। चौथा अभ्यास चल रहा है इसका, कंप्लीट 10 राउंड्स, लास्ट राउंड। अब हम कर रहे हैं एंटायर नेक मूवमेंट, एंटायर नेक मूवमेंट, 3 बार सीधा, 3 बार उल्टा, स्लोली कंफर्टेबली, उससे ज्यादा राउंड नहीं लेने, टिक द चिन डाउन, बिगड़े बिग सर्कल, बड़ा शून्य बनाए गर्दन से, 1, बिग सर्कल, आईज क्लोज, बॉडी स्ट्रेट, 2, complete clockwise direction, 3, now anti-clockwise, बहुत धीरे धीरे करेंगे, 4, we have completed now, all 3, पहले हमने किया बाहों के लिए, फिर shoulders के लिए किया, फिर neck के लिए किया, अब हम कर रहे हैं 1 मिनट का बहुत सुंदर अभ्यास, facial massage, फेशियल मसाज के लिए दोनों धनियों को यहाँ पर रगड़ें और जोर से रगड़ो, और जोर से रगड़ो, कैसे रगड़ना है, पूरे आपके कपाल को और पूरे गर्दन को, यस पूरी जोर से रगड़ो इसको, लेट इट बी वार्म, और जोर से रगड़ो, अब दोनों हाथों की उंगलियों को जोर से रगड़ने के बाद कपाल के मध्य में प्रार्थना की मुद्रा में ले आए और घसीटते हुए कपाल से लेकर गालों तक ले आए नीचे, 1, 2, रगड़ते हुए दोनों हथेलियां कपाल के पास प्रार्थना की मुद्रा में रखें, 3, 4, चेहरे की झुर्रियां से कम होती हैं, चेहरे पर झुर्रियां हैं तो निकल जाएगी, नहीं है तो आने नहीं पाएगी, 4, 5, 6, रगड़ते हुए कपाल से लेकर गार्डन तक ले आए, रबिंग योर बोथ द पाम्स, 6, 7, अब पूरे चेहरे को रगड़े, गर्दन को आगे पीछे से, कानों को अंदर बाहर, थी कमान, एवरीथिंग यू रब इट आउट, आंखें बंद है सभी की, गर्दन को आगे पीछे से, कंधों को, सॉरी गर्दन को आगे पीछे रगड़े, कानों को अंदर बाहर से रगड़े, अंदर से बाहर से रगड़ो कानों को, आप अपने कान में जो लगा हुआ उसको निकाल दो, एंड सीटेड यू आर रबिंग योर ईयर्स वेरी कंफर्टेबली, राइट, आंखें बंद है सभी की, गर्दन को आगे पीछे से, कानों को अंदर बाहर से, और पूरे चेहरे पर रब करें, रिलैक्स, आंखें खोलें, कैसा लग रहा है अभी, हाउ आर यू फीलिंग, वेरी लाइट भाई जी, वेरी लाइट, अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट हो गया, गर्मी आ गई पूरे फेस पे, बहुत गरम गरम हो गया, इस क्लास में जो भी आएगा ना
वो उम्र में 20 साल कम हो जाएगा। oh, wow. मैं दावा right. करता हूँ आपके साथ में 20 years will get younger. बहुत अच्छा लगा, आप रोज क्लास ले लीजिए, लेडीज खुश हो गई। This was beauty parlor. Whatever they spend in the beauty parlor, half of it to Balaramji's fund. भाई संगम युग का पार्लर है, बाबा ने मुरली में कहा था ब्यूटी पार्लर, संगम युग का ब्यूटी पार्लर। बाबा तो श्रृंगार करते ही हैं। एकदम ब्यूटी पार्लर की तरह होता है इधर। आप सबके है ना फेशियल का पैसा बच गया, और क्या चाहिए। बचाओ मत कहीं खर्चा करो। चलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सारी लेडीज चमक गई। ये ओम शांति, ये अंतिम उठने के बाद करना चाहिए, एकदम जैसे बेड पे उठते हैं ना उस वक्त करना चाहिए, तो अपने पूरा फ्रेश हो जाता है। जैसे हम लोग सूरज भाई जी का भी ऐसा ही रहता है ना, वो ऐसे करके संकल्प कराते हैं, ऐसे ऐसे करके फिर जहाँ आपका पेन है वहां रखते हैं ऐसे, तो पहले